इस मटेरियल में अगर मैंने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर और मटेरियल ऑफ दिस कंडक्टर, देन व्हाट इज करंट डेंसिटी प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो करंट डेंसिटी कितना है? अरे समझ में क्या बोलो, जैसे हमने पूरे कंडक्टर को देखा, फिर अंदर एक पॉइंट पे देखा, पूरे कंडक्टर पे करंट डिफाइन किया था और यहां पे हमने करंट डेंसिटी डिफाइन किया, राइट? तो रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही होता है। कभी हम पूरे कंडक्टर का रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये एंड टू एंड कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, राइट? समटाइम्स वी टॉक ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड टू एंड, राइट? बट समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द मटीरियल, कि भाई मटेरियल जो है, कॉपर का कोई भी एक किसी भी शेप साइज का कुछ भी कंडक्टर उठा के लेके आओ, उसके किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उस हिसाब से उस पॉइंट पे करंट डेंसिटी कितना है, ये मेरा इंटरेस्ट होगा। तो यहां से एक नया वर्ड डिफाइन करूंगा मैं, दैट टर्म इज नोन एज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एज वी हैव डिफाइंड रेजिस्टेंस विच इज अ प्रॉपर्टी फॉर प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर कंडक्टर, राइट? न्यू टर्म इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, इज प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल कंडक्टर, मटीरियल ऑफ कंडक्टर, मे बी कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, सिल्वर, इनकी प्रॉपर्टी है क्या? रेजिस्टिविटी, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, द सिंबल इज रो, रो इज सिंबल फॉर इज डिफाइंड एज। अभी सोचो आप, जो रेजिस्टिविटी वर्ड है, यू कैन फील इट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रखा है, करंट डेंसिटी कम आई है, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? हेलो, मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाया, करंट डेंसिटी कम आ रही है, तो आपको क्या लगता है, रेजिस्टिविटी शुड बी स्मॉल और लार्ज? लार्ज इट शुड बी लार्ज, बहुत लॉजिकल बात, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, करंट डेंसिटी कम है, तो रेजिस्टिविटी शुड बी लार्ज। हेंस द डेफिनेशन ऑफ करंट, सॉरी रेजिस्टिविटी वाज मेन एज ई बाय जे। सो रो, दैट इज रेजिस्टिविटी, इज डिफाइंड एज ई बाय जे। आ रहा समझ में? ये डेफिनेशन लॉजिकल लगी क्या? हाँ सर पक्का? बिकॉज दिस इज वंस अगेन डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू हैव स्टडीड इन 10th स्टैंडर्ड। इन 10th स्टैंडर्ड वी स्टडीड आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए एंड रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विच इज मतलब कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, बट ऐसा नहीं है। इन रियालिटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का एक प्रॉपर डेफिनेशन है, राइट? जैसे रेजिस्टेंस तो पूरे कंडक्टर का हो गया, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो गई। अब वो मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे टेस्ट होगी? विल अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्यू टू दैट देयर विल बी सम करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ज्यादा, करंट डेंसिटी आई कम, तो आई विल से रेजिस्टिविटी इज मोर। आ रहा समझ में? तो ई बाय जे, दिस रेशियो, ई बाय जे दिस रेशियो इज डिफाइंड एज रेजिस्टिविटी, राइट? अगर आप उसकी यूनिट देखोगे तो दिस इज वोल्ट पर मीटर एंड जे करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक कैंसिल, मीटर गया ऊपर, वोल्ट मीटर पर एम्पियर, बट वोल्ट पर एम्पियर इज ओम। तो यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज क्या हो गई? ये हो गई ओम मीटर। सो यूनिट ऑफ एसआई, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ओके, यहां से एक वेक्टर फॉर्म भी लिखते हैं हम लोग रिलेशन का। अब दो वेक्टर्स का डिवीजन तो होता नहीं, तो दिस विल नॉट बी लॉजिकल वन। वी से ई इज रो जे, तो ई वेक्टर इज रो जे वेक्टर।
since direction of electric field and current density is same, so rho is equal to, sorry, E vector is equal to rho times J vector. Okay, so this is vector form of definition of resistivity or specific resistance. Clear hai? So E ka value kya aa gaya? Rho J. Okay. Now, then what was that? We have studied R is equal to rho L by U in junior classes. जूनियर क्लासेस में हमने रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखा था, बड़े अलग तरीके से हमको सिखाया जाता था, बट दिस इज एग्जैक्ट थिंग, करेक्ट थिंग, बट वो भी हम देख सकते हैं कैसे आएगा सी. रो इज व्हाट, सपोज देयर इज अ कंडक्टर, देयर इज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, राइट, due to which some electric field is set in it, or at any point if suppose there is some electric, sorry, current density. So resistivity of a material is defined as what? E by J, right? Now in terms of V and L, what is electric field? Electric field potential ke terms mein hum log kya likhte hain? Hello, V by L. So electric field is V by L upon J. What is J? Current density, that is I by A. Suppose I current on an average flows through section of area A. So I by A. So V A by I into L. Now V by I by definition is what? I current flow, right? This is resistance of conductor. So rho is equal to R A by L, or rearrange R is rho L by A. So ये है सही चीज. हाँ, ये form हमको junior classes में सिखाया हुआ था. कैसे? ऐसे सिखाया था. R is proportional to L, R is inversely proportional to A. To remove the proportions and introduce a constant, that constant is known as specific resistance. ठीक है. But reality में रो का एक प्रॉपर डेफिनेशन है. रो इज इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी. ठीक, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड इज डिफाइंड एज ई बाय जे, उसका यूनिट है ओम मीटर. हाँ, यूजिंग दैट डेफिनेशन वी कैन रिलेट रेजिस्टेंस विद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, राइट. सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ई बाय जे. हाउ टू रिलेट आर एंड रो? आर इज रो एल बाय ए. क्लियर है? ओके, नहीं नहीं नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी. नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी यूजुअली डिनोटेड बाय सिग्मा. फिजिक्स में नॉट वेरी यूजफुल, बट और कई सारे टॉपिक्स में, केमिस्ट्री में और भी कुछ टॉपिक्स में कंडक्टिविटी इज मोर फ्रीक्वेंटली यूज टर्म देन रेजिस्टिविटी. बाकी कुछ खास फर्क नहीं है. जैसे रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस था, वैसे कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी है. कंडक्टिविटी सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. सिग्मा इज रेसिप्रोकल ऑफ रो, राइट. तो रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कंडक्टिविटी कम है. रेजिस्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी ज्यादा है, राइट. तो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कंडक्टिविटी. अगर इसके एसआई यूनिट की बात करें हम लोग, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज वन बाय ओम मीटर. इसको पर ओम पर मीटर भी बोलते हैं. ओम का रेसिप्रोकल एमएचओ मो भी बोलते हैं, और सीमेंस भी बोलते हैं. तो दिस इज सीमेंस में भी एक्सप्रेस करते हैं इसको. वन बाय ओम इज सीमेंस, सीमेंस पर मीटर. बाकी आप कुछ भी लिखो, पर ओम मीटर लिख दिया तो भी चलेगा. पर ओम पर मीटर इज एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, राइट. हाउ विल यू रिलेट इट विद इलेक्ट्रिक फील्ड? जैसे रेजिस्टिविटी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट करंट डेंसिटी. तो कंडक्टिविटी क्या है? करंट डेंसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. जे इज इक्वल टू सिग्मा ई.
अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो जे इज इक्वल टू सिग्मा ए हो गया। ओके आ रहा है समझ में? तो ये सब छोटी छोटी कहानियां हो गई। अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू, अगर इफ यू सी लुक एट द टेबल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, रेजिस्टिविटी की वैल्यूज दी होंगी सी। फॉर गुड कंडक्टर लाइक कॉपर एंड ऑल इट इज क्लोज टू 10^-8 ओम मीटर। फॉर ब्रास एंड सरिया नाइक्रोम मैग्नीन एंड ऑल इट इज अराउंड 10^-5 ओम मीटर। फॉर बैड कंडक्टर्स इट्स नियरली 10^-17, 19। मुझे वैल्यूज याद नहीं बट ऐसे कुछ वैल्यूज दिए होंगे टेक्स्ट बुक में। सो रेजिस्टिविटी रेंजेस फ्रॉम 10^-8 से लेके 10^-17 तक, राइट? आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, यू आर नॉट सपोज टू रिमेम्बर दीज वैल्यूज, याद रह गया तो नसीब, नहीं तो छोड़। ये हो गया। और क्या डिस्कस करना है इसमें? टेम्परेचर डिपेंडेंस, चलो दो चार क्वेश्चन करेंगे फिर उसका टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करेंगे। टेम्परेचर तो इधर बड़ा हुआ है, टेम्परेचर डिपेंडेंस नहीं, पहले कुछ एक न्यूमेरिकल्स करता हूँ मैं। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कॉपर वायर रेजिस्टिविटी इज, आई डोंट नो, कुछ ऐसे लिख देता हूँ मर्जी से, बाद में बोलना सर ने ऐसा बोला था मुझे, मैं ऐसे जस्ट नंबर लिख रहा हूँ, आई डोंट रिमेम्बर दिस। कैलकुलेट लेंथ ऑफ कॉपर वायर रेजिस्टिविटी ऑफ जस्ट 2×10^12 ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 mm² क्रॉस सेक्शन एरिया area so then resistance across its ends, this is across its ends is 10 ohm, correct? So 5×10^2 क्या बात कर रहे हैं? हाँ कम ज्यादा हुआ है, हो सकता चेक करता हूँ, हो सकता मैंने गलत देख लिया हो। सर मुझे 0.02 आया। नहीं ये तो तू रहने दे, कुछ भी डालती फॉर्मूला तो। सी रेजिस्टेंस इज व्हाट रो एल बाय, यू हैव टू मेजर लेंथ, तो आर ए बाय एल, आर इज 10, एरिया इज 10^-6 आर, एल एल इज एल, सॉरी क्या कर रहा हूँ,
एलएस आर ए बाय रो का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻¹⁸ हाँ बराबर है तो कितना हो गया 1000 तो 500 मीटर तो आधे किलोमीटर का वायर होगा ना कॉपर का 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का तो जाके उसका रेजिस्टेंस 10 ओम आता है राइट तो कैन यू इमेजिन व्हाट इज दैट लेंथ वन सॉरी हाफ किलोमीटर लेंथ का वायर लोगे ना तब जाके वो 10 ओम का रेजिस्टेंस बनेगा कॉपर वायर राइट ओके सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन देन नेक्स्ट वन सेकंड क्वेश्चन बता दो ये पता नहीं मैं अपने क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं सपोज द वायर इज ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं 2 मिनट हाँ पढ़ ले मेरे को डाउट है मेरी इंग्लिश में वो चीज कन्वे हो रही है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ सा लग रहा है मुझे बट आई एम श्योर समझ जाओगे तुम इफ अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड रेजिस्टिविटी रो हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम A new wire is formed by making 3 consecutive folds from center. Calculate the resistance across ends of a new wire. ये 3 consecutive folds from center. इसका मतलब समझा? क्या? तो वो वायर को बीच में से वो के फोल्ड किया हुआ है. क्या बात है तेरे लिए नहीं मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ मतलब मैंने सही लिखा मैं यही कहना चाहता हूँ द वायर वाज फोल्डेड फ्रॉम सेंटर 3 बार सो व्हाट विल बी रेजिस्टेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ न्यू फॉर्म्ड वायर सर दोनों वायर की लेंथ और वो एरिया वो क्रॉस सेक्शन वगैरह सब सेम है मतलब एक ही तो वायर है नया वायर बनाया बीच में से फोल्ड कर करके तो एक छोटा वायर बन गया वो तो उसका रेजिस्टेंस next question. If a wire of length L and uniform cross section area A and resistivity rho has a resistance of R ohms, a new wire is formed by making 3 consecutive folds from center. Calculate resistance across ends of new wire. उत्कर्ष है आज के नहीं है कीर्तन तो अभी तक पहुंचा नहीं उत्कर्ष अरे वाह उत्कर्ष भी नहीं है आज वो क्या जा रहा है आज चलो बताओ जल्दी मिथिलेश मिथिलेश भी नहीं मिथिलेश था ना मिथिलेश बहुत बोर करते हैं सच्चे जवाब भी नहीं देते हाँ ना भी नहीं करते किसी ने अनम्यूट किया कोई आंसर बताएगा क्या मुझे अच्छा लगेगा अभिमन्यु यस सर एक आध आंसर बता दे यार मेरे को अच्छा लगेगा
सर एक मिनट यार, ओरल क्वेश्चन के लिए एक मिनट बोल के 5-5 मिनट सारे एक साथ मत बताओ ना, एक का ही आंसर होता। हाँ सर, ये वाला जम करके आगे वाला गया था, ये वाला कर रहा हूँ। 2 मिनट सर, रेजिस्टेंस सेम होगा क्या? अरे कम होना चाहिए ना। ऑब्वियसली कम होगा बेटा, मटेरियल वही है, लेंथ अपनी छोटी होगा, एरिया नहीं होगा क्या? ना? आर बी 3 फोल्ड है ना, ये गेस था, गेस था और खराब था, क्या करें। या तो मेरे को लगता है मेरी इंग्लिश सर आप बता दो, समझ नहीं आ रहा। मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा था, सेंटर से एक बार फोल्ड किया ऐसी वायर बन गई, फिर एक बार फोल्ड किया ऐसी वायर बन गई, फिर एक बार फोल्ड किया ऐसी वायर। अब इसके एंड टू एंड क्या रेजिस्टेंस ये बता, तो लेंथ कितने टाइम्स कम हो गया? मतलब कोई बोलने को तैयार भी नहीं है सर, 4 टाइम कम हो जाएगा सर। 4 टाइम कैसे कम होगा, मेरे को तो 8 टाइम्स कम होता दिख रहा है। पागल हो गया सच्ची में तुम्हें, 3 consecutive folds अरे ये हाफ हो गया, फिर ये हाफ का हाफ 1 foot हो गया, फिर एक बार हाफ हो गया 1/8। हाँ तो सर एरिया भी तो बढ़ रहा है। हाँ तो एरिया भी तो बढ़ाओ ना, अब बताओ ना फाइनली एरिया कितना हो गया। लेंथ reduces to 1/8, एरिया का क्या हुआ? एट टाइम्स बढ़ेगा सर, 8 times बढ़ेगा ना यार, वो सबका एरिया ऐड कर दोगे, ये डबल थिकनेस हो गई और डबल हो गई और डबल हो गई, 4 बार डबल हो गई तो 8 times हो जाएगा। Now what is resistance? अब resistance क्या आएगा ना? ये सब किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन से कैसे कर सकते हो तुम वैसा मेरे साथ, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, तो एकदम डिटेल बोल दिया फिर भी नहीं बता पा रहे। 16 times कम हो जाएगा, तू जान ले ले, खत्म कर दे सब। 64 टाइम्स कम होगा भाई, क्या कर रहे हो यार। अच्छा 8 into 8 सॉरी सॉरी, हां 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 आर एस रो एल बाय ए ऐड कर दिया सर गलती से। तो क्यों ऐसा करता है मेरे साथ, 1/64 टाइम्स का प्रॉब्लम हो रहा था। तो आर एस 1/64 टाइम्स ए, हां ओरिजिनल रेजिस्टेंस, किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई फिर बताऊंगा। जानवी समझा? हाँ सर। नेक्स्ट वन, वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर स्ट्रेस टू डबल लेंथ सच दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, कैलकुलेट रेजिस्टेंस। हाँ 4R दिस टाइम रेजिस्ट जीत गया इस बार तो। लेंथ एल था, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था, राइट। वॉल्यूम इज व्हाट, ए इनटू एल, ना वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब ए इनटू एल इज कांस्टेंट। So if length is doubled, the area has to be reduced to half. So length is doubled and area reduces to half. Area becomes half. So resistance ka formula is rho L by A. Length double, area half. So 4 times ho gaya, to 4R ho jaye. So resistance becomes 4R. Finally, last one. Ye to easy sa hai, batao. डबल हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर, रो डी बाई 2πr। कौन सा वाला रोडीज, वो वाला? नहीं नहीं सर, रुको सोनी टी वाला, नहीं सोनी में नहीं आता, किसमें आता है?
ऐसी ऐसी बात करते, डी कहां से लाया तू मेरे को बताएगा, डी क्या था? ये डी नहीं है, ये ऑफ है। डी कहां था तेरा? डायमीटर। तो डायमीटर का तो रेफरेंस भी नहीं है, है क्या जरूरत? नहीं है, कहां है? यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अरे एक वायर है जिसका लेंथ जो भी रहा हो सर्कल के फॉर्म में बेंड किया, तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स के अक्रॉस इस पूरे का रेजिस्टेंस आता है, तो अब ये रेजिस्टेंस कितना होगा इसके अक्रॉस? सर और एक बार, एक वायर है स्ट्रेट, उसका लेंथ जो भी हो, एरिया जो भी हो, रेजिस्टेंस आर है, इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड देन इट्स resistance across diametrically opposite ends is what you have to determine. Diametrically opposite ends है, इनके across resistance क्या होगा ये निकालना है। Sir, 2πRL। ना रे बाबू, मैं तो radius की बात भी नहीं कर रहा, तुम लोग ही पता नहीं diameter, radius, thickness कहाँ कहाँ जा रहे हो। So, same होगा क्या भाई? 1/4 टाइम्स होगा यार, क्या हो क्या गया तुम लोगों? अरे भाई बेसिकली इस वायर का लेंथ आधा हो गया, ये पूरा लेंथ था, जो भी पूरा लेंथ था उसको अब आधा कर दिया ना आपने, तो लेंथ हाफ हो गया और एरिया थिकनेस डबल हो गई। क्यों नहीं दिख रहा ये? अरे दिस इज एज गुड एज बीच में से फोल्ड कर दिया भाई मेरे। बोलता भी नहीं। दिस इज एज गुड एज बीच में से फोल्ड कर दिया, क्या फर्क पड़ रहा है? सर नहीं समझ। हाँ मैं समझ गया। यू टेल मी वन थिंग, अगर आपने इसको ऐसा फोल्ड, चल एहसास तूने तो आगे का टॉपिक भी पढ़ा, इस पूरे का रेजिस्टेंस आर है तो आधे का कितना हो गया R/2, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए तो आधा कर दो और R/4, ये तो तू ऐसे भी कर सकती थी, ये तो फिर भी मैं तुमको ये रेजिस्टिविटी वाले मेथड से समझा रहा। सी दिस इज एज गुड एज यू हैव टेकन अ लॉन्ग वायर एंड फोल्डेड इट फ्रॉम बिटवीन, बीच में से फोल्ड कर दो, ये इस और वो केस सेम ही हो गए ना। डिजाइन से थोड़ी ना फर्क पड़ता है, वो तो रेजिस्टेंस को तो रास्ते से, मतलब ये ऐसा भी बनाता था मैं फिगर तो वही रेजिस्टेंस आएगा ना। वो मैं आप फोन कर दिया बोल रहे थे तो मैं इमेजिन नहीं कर पाई। ओके तो मैंने वो मल्टीप्लाई भी कर दिया था दोनों साइड के लिए, तो इसलिए वो 2-2 कैंसिल हो गया। सब करो अच्छी चीजें बस मत करो। हाँ तो ये हो गया आंसर R/4, ये हो गया ना। हाँ एक क्वेश्चन लिखता हूँ, फ्रस्टम शेप का एक वायर है, लेंथ इज एल, रेजिस्टिविटी इज रो, राइट? यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेडियस है R1, यहाँ पे रेडियस है R2, राइट? फाइन रेजिस्टेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ द वायर, इसमें लगाना है आपको दिमाग, इसमें आएगा इंटीग्रेशन विंटीग्रेशन। चाहे तो हिंट भी देता हूं, पूरा दिमाग लगाओ, एक एंड से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक डिफरेंशियल एलिमेंट कट करो, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट करो जीरो से लेके कैपिटल L तक। सो वापस रिपीट करो। सी इसके छोटे छोटे सेक्शन में रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा ना, तो x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट कट करो, उसका रेजिस्टेंस निकालो, ठीक है? फिर इंटीग्रेट कर देना जीरो से कैपिटल एल तक, आंसर आ जाए। बहुत गर्मी है बाबा।